कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, यदि वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते, क्योंकि कोई आपको नफरत के बारे में पढ़ाता नहीं है। इसलिए नफरत एकदम शुद्ध बिना मिलावट के रह गई है। जब कोई आपसे नफरत करता है, आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपसे नफरत करता है। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है, सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। चिंता करने का मतलब है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चित ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। वे कहते हैं कूदने से पहले दो बार सोचो। मैं कहता हूं पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हैं तो वह मुरझा जाता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सभी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का एक हिस्सा हैं। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता, और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। अगर आप बिना प्रेम के काम करते हैं तो आप एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्रेम के साथ काम करते हैं तब आप एक राजा की तरह काम करते हैं। आपका काम आपकी खुशी है,
आपका काम आपका डांस है। जीवन नियमों के बिना अस्तित्व में है, खेल नियमों के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। केवल झूठे धर्मों के नियम होते हैं, क्योंकि झूठे धर्म एक खेल है। सत्य कुछ बाहरी नहीं है जिसे खोजा जाना है, ये कुछ अंदरूनी है जिसका एहसास किया जाना है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है, ये बदले में कुछ नहीं मांगता और ना ही किसी चीज की उम्मीद करता है। अगर आपको कुछ बुरा करना है तो ताकत की जरूरत होती है, वरना अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें, यह मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है, ये प्रामाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। संबंध उनकी जरूरत है जो अकेले नहीं रह सकते। गंभीरता एक बीमारी है, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। कभी ये मत पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, पूछो क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूं, ये सही प्रश्न है। ये मायने नहीं रखता है कि आप गुलाब हैं, कमल हैं या मैरीगोल्ड हैं, मायने ये रखता है कि आप कुसुमित हो रहे हैं। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं प्रेम कर सकते हैं। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना ही असहमति में राय रखो। कोई चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। कल कभी भी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। जहां डर खत्म हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। एक आदमी जो 100% समझदार है वह मर चुका है। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरत तोहफा है। वास्तविक रहें और एक बड़ा चमत्कार करने का प्रयास करें। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन तुम्हें खोज लेगी। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता।
जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी। साहसी होने का मतलब किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़ें। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो इसका पूरा आनंद क्यों न लें? निराशा से बाहर आएं और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करें। कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है? बन सकता है क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है। उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं, तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है, और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसीलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान उपलब्धि नहीं है, लेकिन यह जानना है कि न कुछ पाना है और न ही कहीं जाना है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो, तो और कोई उससे आनंदित कैसे हो सकता है? मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। अपनी यूनिकनेस का सम्मान करें और तुलना करना छोड़ें। आप जो हैं उसमें रिलैक्स रहें। नहीं, मैं अपने लोगों को लाठियां नहीं देना चाहता, मैं उन्हें आंखें देना चाहता हूं। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आजादी पसंद है, और उसे उड़ने के लिए पूरे आसमान की जरूरत होती है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का प्रमुख कारण आजादी का नहीं होना है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतरनाद है, और प्रेम ही अनाहद नाद है। लोग प्यार को अंधा कहते हैं, क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नजर में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है, यह हवा की तरह है। आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। मनुष्य केवल संभावित रूप में जन्म लेता है। वह अपने और दूसरों के लिए एक कांटा बन सकता है, वह खुद और दूसरों के लिए एक फूल भी बन सकता है। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, इच्छाएं गायब होती जाती हैं। जब जागरूकता 100% हो जाती है, तब कोई इच्छा नहीं रह जाती। नरक हमारी रचना है, और हम असंभव करने का प्रयास कर नरक बनाते हैं। स्वर्ग हमारी प्रकृति है, यह हमारी सहजता है। यह वो जगह है जहां हम हमेशा होते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन से बचना नहीं है। सच्चा प्रेम बहता हुआ अकेलापन है। अकेले रहने में कोई इतना खुश रहता है कि वो इसे बांटना चाहता है। जब आप अलग हैं, तो पूरी दुनिया अलग है। ये दूसरी दुनिया बनाने का सवाल नहीं है, ये केवल एक अलग आप बनाने का सवाल है। वो जो आपको दुखी बनाता है, केवल वही पाप है। वो जो आपको खुद से दूर ले जाता है, केवल उसी से बचने की जरूरत है। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। जो पाठ आपने पढ़ लिए हैं, उन्हें बंद करते जाएं।
बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। खुद को वैसे स्वीकार करें जैसे आप हैं, और यह दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि यह आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और कल्चर के खिलाफ है। शेयर करना सबसे मूल्यवान धार्मिक अनुभव है। शेयर करना अच्छा है। आप बाहरी रूप को बदलते हुए कई जिंदगियां लगा देंगे, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जब तक कि भीतर बदलाव नहीं होगा, बाहर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। अधूरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी ना लड़ें। असली सवाल यह है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर तुम अंदर से सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही ही होगा। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह भगवान का तिरस्कार कर रहा है। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है।